हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल साइक्रीन ब्लॉग्स। आज हम देखेंगे स्टॉक्स को कैसे चूज करना है फॉर द लॉन्ग टर्म, फॉर द शॉर्ट टर्म एंड फॉर द मीडियम टर्म बाय एक्सेसिंग RSI इंडिकेटर। अभी RSI इंडिकेटर क्या होता है पहले देखते हैं। RSI इंडिकेटर एक जस्ट टूल है और इसी के थ्रू में हम स्टॉक को मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कोई से भी स्टॉक को मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है और मीडियम टर्म के लिए कैसा है। तो ये वीडियो प्लीज़ मेरे साथ बना रहिए, लास्ट तक देखिए और आपको पूरा डिटेल्स में समझ में आ जाएगा कि स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो RSI मेनली क्या होता है? RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक टूल है, इसका फार्मूला अलग है और यहाँ पे आप गूगल पे जाएंगे तो डेफिनेशन एंड फार्मूला सर्च कर पाएंगे। बट फार्मूला जानकर अपने को इतना कुछ बेनिफिट होने वाला है नहीं। तो डायरेक्ट हम अभी देखते हैं कि RSI को कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं जाऊँगा investing.com में। मुझे जस्ट यहाँ पे investing.com सर्च करना है गूगल पे, और जैसे ही यहाँ पे investing.com आ गया, आप इसको जीरोधा काइट के वेबसाइट के थ्रू में भी देख सकते हैं। तो मैं अभी काइट लॉग इन कर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट investing.com में जाता हूँ। और यहाँ पे जैसे ही ये वेबसाइट खुलता है तो यहाँ पे मुझे कंट्री सिलेक्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करना है। इंडिया जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट का सारा डिटेल्स आ जाता है। जैसे यहाँ पे निफ्टी 50, BSE, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, सारा कुछ आ जाता है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई सा भी स्टॉक यहाँ पे देखना है, वन ऑफ माय बेस्ट IT स्टॉक को मैं लेके आता हूँ। विप्रो पे हम जाते हैं। विप्रो लिमिटेड जैसे ही यहाँ पर आता है तो NSE विप्रो पे मैं क्लिक करता हूँ और विप्रो का सारा डिटेल्स यहाँ पर आ गया अभी। और इसके बाद मुझे जब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे मुझे चलना है टेक्निकल चार्ट में। तो कोई से भी स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करने से पहले अपने को दो चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक्स में तो दो चीज़ रहता है, एक तो फंडामेंटल एनालिसिस रहता है और टेक्निकल एनालिसिस रहता है। फंडामेंटल एनालिसिस करना इतना आसान है नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए अपने को सारे न्यूज़ देखना पड़ेगा, सारे न्यूज़ को माइंड पे रखना पड़ेगा। कौन सा न्यूज़ कब आ रहा है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है इकोनॉमिक वैल्यू के ऊपर, सब कुछ जानकारी बहुत ज़रूरी है। बट अपने पास इतना टाइम रहता नहीं है, तो हम इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू में देखेंगे कि स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमको जस्ट चार्ट पढ़ना आना चाहिए। तो आज मैं एक सबसे बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि RSI होता है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पे जाना है। टेक्निकल चार्ट पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो नीचे यहाँ पे मेरा पूरा टेक्निकल एनालिसिस वाला चार्ट आ जाएगा। मैं इसको जस्ट फुल स्क्रीन करता हूँ थोड़ा बेटर समझने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, आज विप्रो का आज का दिन का ग्राफ चार्ट पूरा यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे एरिया व्यू किया हूँ तो मैं यहाँ पे चाहूँगा कि कैंडल व्यू पे जाने के लिए। तो ये कैंडल पे जैसे ही क्लिक किया तो कैंडल व्यू आ गया और नीचे ये तो पूरा दिन भर का ग्राफ है और नीचे यहाँ पे वॉल्यूम है आज दिन भर में। जैसे ग्रीन वाला है तो ये बाय का वॉल्यूम है और रेड वाला है तो ये सेल का वॉल्यूम है। जैसे जैसे यहाँ पे बाय होता है तो देखिए यहाँ पे ग्राफ ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे सेल ज़्यादा होता है तो ग्राफ नीचे आ रहा है। तो ये सिंपल ट्रिक रहता है। तो RSI सिलेक्ट करने के लिए मैं कैसे यहाँ पे चूज़ करता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे जस्ट RSI डालना है, RSI पे क्लिक करना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और जैसे ही मैं RSI पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए RSI वाला टूल आ जाता है। RSI 14 यहाँ पे लिखा हुआ है। RSI का एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है उसको देखने के लिए। तो RSI को मैं दो मार्किंग किया हूँ, 60 और 40। तो 60 और 40 इसका ये बेस होता है RSI का। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर देखता हूँ मेरा RSI हमेशा 60 से एबव में है तो ये जो स्टॉक है ये ऊपर जाएगा, मतलब इसको हम बाय कर सकते हैं। अगर ये 40 के नीचे है RSI तो ये बेरिश है, मतलब ये नीचे जाएगा, बुलिश नहीं होगा। तो जो जो स्टॉक हमारा हमेशा 60 के ऊपर रहता है RSI उसमें, तो हम उसको ख़रीदना चाहिए। अगर ये 40 और 60 के बीच में है तो ये स्टॉक साइडवेज जाएगा, मतलब ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ना बुलिश है ना बेयरिश है। तो एबव 60 बुलिश, बिलो 40 बेयरिश, और इन बिटवीन 60 एंड 40 इट इज़ मूविंग साइडवेज। ये तो हो गया RSI का सिंपल सा फंडा, इसको आप नोट कर लीजिए। और
फॉर द शॉर्ट टर्म, जैसे यहाँ पे 1 डे में सिलेक्ट है ये स्टॉक, तो अगर ये 65 में अभी ट्रेड करता है RSI और यहाँ पे मेरा सिलेक्ट है 1 डे, तो मीन्स 1 डे इज़ फॉर शॉर्ट टर्म, और यहाँ पे मैं अगर सिलेक्ट करूँगा 1 वीक देन इट इज़ फॉर द मीडियम टर्म, और यहाँ पे मैं अगर सिलेक्ट करूँगा 1 मंथ मीन्स इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। तो जैसे यहाँ पे ये जो स्टॉक है विप्रो, ये 1 मंथ में मैं सिलेक्ट किया हूँ और RSI देखिए 88 मीन्स इट इज़ फुल्ली बुलिश स्टॉक है, मीन्स ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, क्योंकि इसका RSI लगभग 60 से अबव ही दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको मीडियम टर्म के लिए ख़रीदना चाहूँगा, ये फिर भी बेस्ट ही है, क्योंकि मीडियम टर्म के लिए तो ये हमेशा 60 से ऊपर ही रहता है इसका RSI, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए बात करता हूँ तो फिर भी ये अच्छा है, क्योंकि 65 में ये RSI इसका ट्रेड करता है अभी। तो ऐसा सिंपल तरीका से अभी हम स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं RSI को यहाँ पे लगाते RSI वाला टूल को यहाँ पे यूज़ करके। तो ये बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई और स्टॉक को देखना है तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, फॉर एग्जांपल मेरा ही कंपनी आयसर मोटर, तो आयसर पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ और ये देखिए इसका ये ग्राफ पूरा आ गया और RSI का वैल्यू नीचे आ गया और वॉल्यूम यहाँ पे आ गया। वॉल्यूम हमको ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे क्लोज़ कर दूँ तो और बेटर क्लैरिटी आ जाएगा ग्राफ को देखने के लिए। तो फिर फॉर एग्जांपल ये 1 डे में सिलेक्ट है और शॉर्ट टर्म के लिए आयसर मोटर भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लगभग 65-70 के आसपास में ट्रेड करता है RSI इसका, और मीडियम टर्म के लिए भी ये अच्छा है, 58 है, नो डाउट ये मीडियम टर्म के लिए ठीक ठाक ही है, और नो डाउट ये अच्छा ही हो जाएगा कुछ दिन में, क्योंकि 58 पे ट्रेड करता है तो एबव 60 तो हो ही जाएगा। और 1 मंथ में मैं क्लिक करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये नो डाउट बेनिफिट देना ही वाला है, क्योंकि ये देखिए इसका एक टाइम था जहाँ पे RSI 95 तक चला गया था और अभी तो 60 में ट्रेड करता है, तो ये भी एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा फंड है। और एक हम बात करते हैं जो बहुत ही अच्छा नहीं होता है जो स्टॉक, उसी का भी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं येस बैंक। येस बैंक तो आपको सबको पता है कि क्या उसका हालत चल रहा है, उसमें भी हम देख लेते हैं। ये स्टॉक तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप इसमें देखेंगे फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ के लिए मैं देखता हूँ तो RSI देखिए 30 पे है, तो मतलब ये स्टॉक तो अपने को लेना ही नहीं है कभी भी। और मीडियम टर्म के लिए मैं देखता हूँ तो 29, तो 29 मीन्स ये बिलो 40 है, लॉन्ग टर्म के लिए भी 30 है तो बिलो 40 था वो, और फॉर शॉर्ट टर्म के लिए भी मैं देखता हूँ तो ये 32 है। तो ये जो RSI का टूल है बहुत ही काम में आएगा, मैं आपको दोनों चीज़ करके दिखा दिया यहाँ पे, कि जो अच्छा स्टॉक्स होता है उसमें ये हमेशा 60 के अबव रहता है तीनों में, फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर मीडियम टर्म एंड फॉर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। और जो ख़राब स्टॉक होता है, जो डूबा हुआ कंपनी होता है, उसमें देखिए इसका RSI जो है हमेशा नीचे ही रहता है। तो ऐसा करके आप RSI का यूज़ करके सिंपली कोई भी स्टॉक को चूज़ कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है RSI के ऊपर। और बहुत ही बहुत चीज़ है जानकारी के लिए, तो आज मैं एक सिंपल सा स्टेप आपको बताया। अगर ये आपको अच्छा लगा, आप इसको यूज़ करके कोई बेनिफिट आपको मिलेगा तो बहुत ही खुशी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आने वाला टाइम के लिए जो भी वीडियो आएगा उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू।